हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल हमारे गांव में बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे घर में क्या क्या फ्रूट्स लगे हुए हैं। जिसके आप यहाँ पर देख रहे हो, अंगूर है अभी कच्चे हैं, पर कुछ कुछ हैं जो पक गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ही देखिए, अंगूर लगे हुए हैं भर भर के और कुछ ही दिनों में पक जाएंगे। ये देखिए, तो ये वाले अंगूर जो हैं वो खट्टे मीठे होते हैं, पूरे पूरे के पूरे मीठे नहीं होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, और इसके अंदर कोई बीज नहीं होता है, पर ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। जो कच्चे वाले अंगूर हैं ये जो कच्चे वाले अंगूर हैं इनसे आप चटनी बना सकते हो, और इनकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है पुदीना डाल के। पकने के बाद इनका जूस बना सकते हो, इनको ऐसे फ्रूट खा सकते हो। तो ये जो अंगूर की बेल है मेरी दादी ने लगाई थी, और तो हम छोटे से खाते आ रहे हैं, मतलब 30-32 साल की तो मैं ही हो गई हूँ, उससे पहले से अंगूर का पेड़ है। तो पेड़ पौधे फल के फ्रूट लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आने वाली जनरेशन भी इसको खा सकते हैं। अभी दादी हमारी नहीं है, गांव में कोई नहीं रहता, तो हम कभी कभी आते हैं, तो फिर भी हमें ये अंगूर के फल खाने के लिए मिलते हैं, और दादी की वजह से कि दादी ने लगा रखा था, तो अभी तक हम इसे खा रहे हैं। और ये बेल पूरे छत में फैली हुई है, और इस तरह से पूरा आम का पेड़ है वहाँ तक जा रखी है। तो जो कच्चे प्लम है उसके आप चटनी बना सकते हो, हम चटनी बनाते हैं, और जो पके हुए प्लम है उसके आप जैम बना सकते हो, उससे आप चटनी बना सकते हो, और ऐसे भी खा सकते हो। तो ये है दूसरा फ्रूट जो आजकल गांव में हो रखा है, वो है प्लम, बहुत ही टेस्टी होता है, खट्टा मीठा। इधर भी लगे हुए थे पर ये हमने इधर के पूरे खा दिए। ये देखिए, जैसे ही पकते हैं इनको चिड़िया खा लेती है। इस साइड के सारे ख़त्म हो चुके हैं, और अब उस साइड के जो कि पक रखे, ये देखो इसमें भर भर के प्लम लगे हुए हैं। वो आम अभी कच्चे हैं, कुछ टाइम बाद ये पक जाएंगे, और इस पेड़ के आम बहुत मीठे होते हैं, अभी दादी ने लगा रखे थे। तो पहले जब हम बचपन में गांव में आते थे तो हम आम ऐसे ही नमक मिर्च के साथ खा लेते थे, बचपन में 3-3, 4-4 कच्चे आम खा लेते थे, पर अब जो है आम खाने की हिम्मत नहीं होती है, बहुत खट्टे होते हैं, मन नहीं करता खाने का। तो बचपन में हम बहुत खाते थे, तो ये है आम जो आप कुछ टाइम बाद पक जाएंगे। तो कच्चे आम की आप चटनी बना सकते हो, जैम बना सकते हो, मुरब्बा बना सकते हो, और पकने के बाद एज अ फ्रूट आप उन्हें खा सकते हो। और आजकल आड़ू भी बहुत लगे हुए हैं गांव में, और आड़ू जो है कच्चा आड़ू भी बहुत टेस्टी होता है, नमक में और सरसों के तेल के साथ आप उसको कचमोली बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है, और पकने के बाद भी ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है ये जब पकता है, अभी थोड़ा सा कच्चा है। और ये वाले जो प्लम है बहुत मीठे होते हैं, बाकी जो पिंक कलर के होते हैं बहुत ही खट्टे होते हैं ये वाले, तो जब ये पूरे पर्पल कलर के हो जाएंगे तब ये बहुत मीठे हो जाएंगे, अभी ये खट्टे हैं। और ये है उत्तराखंड का फेवरेट बेड़ू, जो कि आपने गाने में भी सुना होगा, बेड़ पाको बार में। तो ये बेड़ू है, ये थोड़ा थोड़ा पक गए हैं, इनको इंग्लिश में फेज बोलते हैं, और इस तरह से होते हैं, ये देखो पके हुए अंदर से रेड, और ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसका भी टेस्ट खट्टा मीठा होता है, और बहुत ही टेस्टी होते हैं हेल्थ के लिए।
पर एक जंगली फ्रूट है, खुद से हो जाता है। और इस पर नमक मिर्च और सरसों का तेल डाल के खाओ तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये है हमारे गांव में कुछ फल जो अभी सीजनल है, इस सीजन में पकने वाले हैं और कुछ कुछ पक गए हैं जो हम खा रहे हैं। तो आप भी गांव में नहीं रहते तो गांव में ये सब पौधे लगा लो, पेड़ लगा लो, ताकि आप जब भी गांव में आओ तो आपको कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाने के लिए मिले, वो भी सीजनल, और आपकी आने वाली जनरेशन भी ये फ्रूट्स और ये सब खाती रहे। जैसे कि जो पेड़ है दादी ने पता नहीं कब लगाया था, हम अभी तक खा रहे हैं और शायद ये हम खाते ही रहेंगे। तो ये फ़ायदा होता है फ्रूट्स लगाने के। तो होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैप्पी ग्रीनरी।